Brought to you by Khata Book. इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इसी। इंदौर प्रशासन लोगों को डरा धमका कर अवैध संपत्तियों का निर्माण करवाने वाले गुंडों पर डंडा चला रहा है। पुलिस विभाग द्वारा नगर निगम को सौंपी गई दूसरी सूची के आधार पर निगम भी अलग अलग थाना क्षेत्रों के लिस्टेड बदमाशों की अवैध संपत्तियों को नष्ट करने की कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। इसी के चलते राजेंद्र नगर, जूनी इंदौर और अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में 3 लिस्टेड बदमाशों के खिलाफ निगम ने कार्रवाई की। पुलिस की माने तो शहर में अपराधों को रोकने के लिए पुलिस विभाग गुंडों की आर्थिक तौर पर कमर तोड़ने के लिए इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है। निश्चित तौर पर जो भी बड़े अपराधी हैं सभी इस कानून के घेरे में हैं। अभी कई ऐसे अपराधियों के घर टूटे गए, तोड़े गए, जो कि इस कानून की परिधि में जिनका घर इस तरह का अतिक्रमण में आता था, और इस तरह के भी जो भू माफिया हैं, जो बड़े अपराधी हैं, वो भी इस अभियान के अंतर्गत निश्चित तौर से शामिल। आपको बता दें कि इंदौर के कई इलाके राजेंद्र थाना क्षेत्र के महादेव नगर में लिस्टेड बदमाश सत्यनारायण उर्फ मनी रैकवार के 2 अवैध निर्माणों पर निगम का बुलडोजर चला। वहीं जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के बाबूनगर में कालू पालीवाल का अवैध निर्माण भी निगम ने जमींदोज कर दिया। इसके साथ ही अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में हिस्ट्री शीटर रिंकू उर्फ रूपेश चौधरी के अवैध निर्माण पर भी निगम ने कार्रवाई की है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।